किया, उसने भाषण के अंदर मैंने ये बोला कि गुटका जब पुलिस वाले बंद नहीं कर रहे थे तो मैंने जाके बंद किया, अगर वो क्लब अगर पुलिस वाले अगर बंद नहीं करेंगे तो मैं खुद जाकर पुलिस का काम अंजाम दूंगा और वहां पर सिर्फ वो क्लब बंद नहीं करवाऊंगा, जब तक वो बेगमपुरे की पीआई सस्पेंड नहीं होते मैं पुलिस स्टेशन के सामने धरना देते बैठूंगा, इंडेफिनेट धरना दूंगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे मनोमुक्त भी आक्रोश व्यक्त करता है, असं चित्र सध्या दिसतं आहे आणि काँग्रेसचं आहे आणि निवडणुकीमध्ये तुम्हाला मात्र त्यांनी मदत केली नाही। सगळी गोष्टी पोलिसांवर तुम्ही टाकताय, शेवटी आपली लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी आहे। पुलिस अगर बोल देती है कि हम नहीं बंद कर सकते हैं तो मैं बंद करने के लिए तैयार हूँ, जैसा गुटके का जब बंद करने के लिए पुलिस वाले फेल कर हो गए थे तो मैंने खुद ने जाके बंद करा था। और मेरा आपको एक दूसरा सवाल ये है कि साहब हर चीज के अंदर है तो आप राजनीति के साथ मत जोड़ के देखिएगा। मैंने जब गुटके के ऊपर रेड करा तो आपको पता होगा कि एक सेना के लीडर ने बोला कि अपने एरिया मध्य का नहीं किया, आपके एरिया मध्य कशा रही होना अत्यधिक घाटा की, मतलब गुटके के अंदर भी अगर आप देखेंगे जो गलत है अगर आपको भी बता रहा होगा। अगर मेरा कोई अगर पार्टी का लीडर पार्टी का कॉर्पोरेटर कार्यकर्ता अगर कोई गलत काम कर रहा है आप मुझे बताइएगा, मैं 200% आपको गारंटी देता हूँ जिस दिन आप मुझे बताएंगे उसी दिन ये करूँ मैं उसके ऊपर एक्शन। तो इसके अंदर कांग्रेस का है या सेना का है या भाजपा का है, गुटका समाज को खराब कर रहा है, नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, मैंने उसके ऊपर रेड किया। क्लब क्लब के अंदर लोग कैसे कैसे जाकर बैठ रहे हैं, वो आज के दिन ये लॉटरी वाले जो है मुंडे के अंदर मैंने जाके तो बसों में देखा, जो हनुमान लोग है वो हनुमान लोग जिनमें रोजी वो करके है तो वहां पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे के पीछे है तो वो लॉटरी का कारोबार चल रहा है। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, और अगर पुलिस नहीं बंद करेगी तो हम बंद करेंगे अपने हिसाब से बंद करेंगे। कहाँ पे है बताइए ना, अगर आप मुझे बताएंगे आधी अधूरी बात करते एक सेकंड, ये ऐसे पत्रकार जो है ना मैं इनको थोड़ा सा हिसाब करूंगा जो उसके लगे जाए मोबाइल लेके जो बैठ रहे हैं ना उसमें, आप बताइए कहाँ चल रहा है, चलिए बताइए मुझे जगह बताइए। नहीं आप पूरे और आने अधूरी बात नहीं करिएगा, आप मेरे साथ आती है अभी बताइए सागर की इस तकनीक के ऊपर से आप खरीद के खा रहे हैं बताइए। आप नहीं नहीं चलिए अभी अभी बोलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलिए, मैं अभी इमीडिएट जाके एक्शन लूंगा, मुझे आप बताइएगा कौन सा है। मुझे ये आप अंधाधुंध बातें मत करिएगा, ये चल रहा है वो चल रहा है, जो चल रहा है मुझे बताइए, जिसने मुझे बताया था ये जगह के ऊपर है उस जगह के ऊपर मैंने जाके रेड करा था। आप जनरलाइज अगर बोलेंगे कि सुना साहब वहां पे भी चल रहा है तो वहां बताइए आप, वरना आप भी उस गुनाह के अंदर हिस्सेदार है। अगर आप जनरलाइज करके बोले बोलिए मुझे सागर के नॉर्मल के ये जगह के ऊपर चल रहा है आप बताइए, एक नाम बताइए फिर आगे अपन बात करेंगे। चलिए बताइए एक सेकंड रुकिए बताइए, औरंगाबाद शहर के अंदर चल रहा है गुटका कर्मी, आप मुझे अभी बताइएगा कि कहां पे चल रहा है। पत्रकार मैं भी था, मैंने भी 23 साल पत्रकारिता निकाली है करके, लेकिन इस तरह के सवाल मैंने नहीं किया है जब तक मेरे हाथ में कुछ पुख्ता नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये दुकान के ऊपर चल रहा है, ये गोडाउन के अंदर है, यहाँ पे चल रहा है, मेरे से ज्यादा जानकारी आपको है, लेकिन आप जनरलाइज करके है तो मुझे आधे अधूरे अंदर उसके अंदर ये करेंगे कल छापेंगे इम्तियाज जलील के बोलने के ऊपर भी गुटका चल रहा है, कहाँ चल रहा है कि इम्तियाज जलील अकेले जाकर ढूंढेगा, कि आपकी भी जिम्मेदारी आप बताइए मेरे को। मैं आज का आज अगर एक्शन लेने लगाऊंगा आपके सामने अभी क्राइम ब्रांच को बोलूंगा कि इस गोडाउन के ऊपर रेड कर दिया, लेकिन ये गुटका जब पुलिस वाले बंद नहीं कर रहे थे तो मैंने जाके बंद किया, अगर वो क्लब अगर पुलिस वाले अगर बंद नहीं करेंगे तो मैं खुद जाकर पुलिस का काम अंजाम दूंगा और वहां पर सिर्फ वो क्लब बंद नहीं करवाऊंगा, जब तक वो बेगमपुरे की पीआई सस्पेंड नहीं होते मैं पुलिस स्टेशन के सामने धरना देते बैठूंगा, इंडेफिनेट धरना दूंगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे मनोमुक्त भी आक्रोश व्यक्त करता है, असं चित्र सध्या दिसतं आहे आणि काँग्रेसचं आहे आणि निवडणुकीमध्ये तुम्हाला मात्र त्यांनी मदत केली नाही। मैंने जब पूछा की सगळी गोष्टी पोलिसांवर तुम्ही टाकताय, शेवटी आपली लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी आहे। पुलिस अगर बोल देती है कि हम नहीं बंद कर सकते हैं तो मैं बंद करने के लिए तैयार हूँ, जैसा गुटके का जब बंद करने के लिए पुलिस वाले फेल कर हो गए थे तो मैंने खुद ने जाके बंद करा था। और मेरा आपको एक दूसरा सवाल ये है कि साहब हर चीज के अंदर है तो आप राजनीति के साथ मत जोड़ के देखिएगा। मैंने जब गुटके के ऊपर रेड करा तो आपको पता होगा कि एक सेना के लीडर ने बोला अपने एरिया मध्य का नहीं किया, आपके एरिया मध्य का शरा ये होना अत्यधिक घाटा की, मतलब गुटके के अंदर भी अगर आप देखेंगे जो गलत है अगर आपको भी पता होगा
अगर मेरा कोई अगर पार्टी का लीडर है, पार्टी का कॉर्पोरेटर कार्यकर्ता अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप मुझे बताइएगा, बट 100% आपको गारंटी देता हूँ जिस दिन आप मुझे बताएंगे उसी दिन ये करूँ मैं उसके ऊपर एक्शन। तो इसके अंदर कांग्रेस का है या सेना का है या भाजपा का है, समाज को खराब कर रहा है, नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, मैं उसके ऊपर रेड किया। क्लब क्लब के अंदर लोग कैसे कैसे जाकर बैठ रहे थे, वो आज के दिन ये लॉटरी वाले जो है मुंडे के अंदर मैंने जाके तो पर्सनली देखा हो, जो हमान लोग है वो हमान लोग जिनमें रोजी वो करके तो वहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे के पीछे है तो वो लॉटरी का कारोबार चल रहा है। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, और अगर पुलिस नहीं बंद करेगी तो हम बंद करेंगे अपने हिसाब से बंद करेंगे। मुझे बताइए जिसने मुझे बताया था ये जगह के ऊपर है, उस जगह के ऊपर मैंने जाके रेड करा था। आप जनता भाई अगर बुलेट के कृष्ण साहब आप भी चल रहा है तो आप बताइए आप, वरना आप भी उस बुले के अंदर हिस्सेदार है। अगर आप जनता भाई करके बोले बोलिए मुझे स्वागत किया था, प्रमोशन भी अपनी ऊपर ठीक है, ये जगह के ऊपर चल रहा है, आप बताइए एक नाम बताइए फिर आगे अपन बात करेंगे। चलिए बताइए, एक सेकंड रुकिए बताइए आपने सवाल किया है मुझसे, आप सवाल करने से पहले तो ये सोच के सवाल करिएगा कि आप जनरलाइज करके बता रहे हैं, आप मुझे अब बताइएगा उसके अंदर, वरना आप इस तरह की पत्रकारिता नहीं कर सकते। औरंगाबाद शहर के अंदर चल रहा है गुटखा का, आप मुझे अभी बताइएगा कि कहां पे चल रहा है। पत्रकार मैं भी था, मैंने भी 23 साल पत्रकारिता निकाली है करके, लेकिन इस तरह के सवाल मैंने नहीं किया है जब तक मेरे हाथ में कुछ पुख्ता नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये दुकान के ऊपर चल रहा है, ये गोडाउन के अंदर है, यहाँ पे चल रहा है, मेरे से ज्यादा जानकारी आपको है, लेकिन आप जनरलाइज करके है तो मुझे आधे अधूरे अंदर उसके अंदर ये करेंगे, कल छापेंगे कि इम्तियाज जलील के बोलने के ऊपर भी गुटखा चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कि इम्तियाज जलील अकेले जाकर ढूंढेगा, कि आपकी भी जिम्मेदारी, आप बताइए मेरे को। मैं आज का आज है तो एक्शन लेने लगाऊंगा आपके सामने, है तो अभी क्राइम ब्रांच को बोलूंगा कि इस गोडाउन के ऊपर रेड दे दिए, लेकिन ये इस तरह का मतलब अगर आप जनरलाइज